जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 19वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है कुबेर जी का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्री शिव महापुराण की जय। अब 19वां अध्याय। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज विश्वरूपा जी से कहने लगे हैं, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लीजिए। यद्यपि यह शब्द सदाशिव ने उच्च स्वर से कहे, परंतु विश्वरूपा ध्यान मग्न होने के कारण शिव जी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिव जी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिक्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि भगवान शिव शंकर अपने पूर्व रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए हैं। उनके वामांग में भगवती पार्वती जी भी खड़ी हुई थी। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ है, उसका मन आनंद से भर गया है। परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहा है कि हे नाथ, मुझे आप अपने चरणों का दर्शन करवा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिक्पति यह कहकर चुप हो गया। भगवान शिव जी उसके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने दिक्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए हैं। सर्वप्रथम दिक्पति ने नेत्र खोलते ही शिवरानी को देखा और कहा कि ये देवी कौन है? इनका बड़ा सौभाग्य है जो ये शिव जी के इतने निकट रहती हैं। इनके पुण्य प्रेम तथा माता पिता को धन्य है। उसने यह बात बारंबार कही तथा शिवरानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा है। इससे उसकी आंखें तुरंत फूट गई। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा, यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग भरे वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। भगवती पार्वती कहने लगी है, हे प्रभु शिव शंकर जी, ये आपका कैसा भक्त है? यह वचन सुनकर भगवान शिव हंसते हुए कहने लगे हैं, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो कि प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर, तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कुदृष्टि से नहीं देखता है। इसके पश्चात भगवान शिव जी दिक्पति से कहने लगे हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियों और संपूर्ण राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यज्ञ तथा किन्नर होंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं। वस्तु हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम भगवती पार्वती जी के श्री चरणों में गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। इस प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। भगवान शिव जी की इस आज्ञा को सुनकर विश्वरूपा माता पार्वती जी के चरणों पर गिर पड़ा है। तब शिव जी माता पार्वती जी से कहने लगे हैं, हे देवी, यह तुम्हारा परम भक्त है, तुम इस पर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। भगवान शिव की ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती जी ने अपना क्रोध शांत कर लिया तथा उस समय दिक्पाल से कहा है, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिवजी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिवजी ने जो वरदान दिया है वह सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में भय नहीं लाए, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला होकर
तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिनी ओर है, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जी दिक्पति को यह वरदान देकर तथा यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना अंतर ध्यान हुए हैं, दिक्पति भी अपने घर को लौट आया है। भगवान शिव जी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया है। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिव मित्र उपनाम पाकर शिव जी का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदैव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है कि जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, मैंने आपको यह विशर्वा की कथा सुनाई है कि किस प्रकार इसने भगवान शिव जी की तपस्या करके भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त किया है। सच बात है कि तीनों लोकों में भगवान शिव जी के समान दयालु कोई नहीं है। तीनों लोकों में भगवान शिव जी के समान कृपालु कोई नहीं है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी तो केवल थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को बड़े बड़े वरदान दे देते हैं, जैसा कि आज विश्वकर्मा को दिया है, उसको कुबेर की उपाधि दी है। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 19वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रही, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।